जी अस्सलाम वालेकुम। जिनको आवाज़ आ रही है वो ज़रा कमेंट कर दें जी कि आप देख पा रहे हैं, ताकि वी कैन स्टार्ट दिस सेशन विद मोहसिन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जिनको आवाज़ आ रही है वो ज़रा कमेंट कर दें जी कि आप देख पा। So we're just going to start like in few seconds. But then we'll start conversation. Just give me like maximum 10 seconds so we can build up the audience a bit. जी सो जी अस्सलाम वालेकुम सब हज़रात को। आज का सेशन जो है इट्स मेनली टू टॉक अबाउट के हमारे पास जो रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही थी वो थी के जी के कोई इशू आया पायनियर के कार्ड्स पे, या पायनियर्स की पेमेंट्स होल्ड हो गई हैं, या मेरे अकाउंट बैन हो गए हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं पता नहीं फ्रॉड हो गया है, या पता नहीं हो क्या गया है कि पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड, मतलब इस तरह की न्यूज़ विदाउट एक्चुअली नोइंग अ मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारा एक कल्चर सा बन गया है कि हम विदाउट ऑथेंटिकेशन जो है फैलाना शुरू कर देते हैं बात। ये भी नहीं देखते कि मुझे कितने लोग फॉलो करते हैं, या मेरी बात से आगे कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे इस बात को फैलाएंगे। तो ये एक बड़ा एक हर्टिंग था, मैं देख रहा था। तो हमें हमेशा अथेंटिक सोर्स से बात करनी चाहिए, और ये मेरे पास इस वक्त मोहसिन मुजफ्फर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। मोहसिन भाई जी अस्सलाम वालेकुम साकिब, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर विद यू। ग्रेट। सो जस्ट जिनको नहीं पता, मोहसिन मुजफ्फर इज द कंट्री हेड ऑफ पाकिस्तान, मींस पेनियर को ये पाकिस्तान में लीड करते हैं। तो इट्स ग्रेट कि ये आज हमारे पास मौजूद है। इसको ऑब्वियसली हम लोग सेशंस को बाद में भी अवेलेबल होगा, जो नहीं देख पा रहे वो बाद में भी इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आखिर क्या इशू है और उसको रिजोल्व कैसे करना है और हमने रिएक्ट कैसे करना है। रादर वी जस्ट कीप शेयरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग मच। तो जी मोहसिन भाई, सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि आई नो के पेनियर हैज़ एक्चुअली रिलीज देयर ऑफिशियल स्टेटमेंट एज वेल, लेकिन मुझे ज़रा पहले बड़े ही आसान अल्फाज में बताइए, जिसको इस इशू का भी पता भी नहीं है, वो कल को अगर उसको बताया भी जाता है तो पहले बताएं कि इशू हुआ क्या है, वो क्या इशू है ये, ताकि लोगों को इशू पता लगे, फिर हम उसके बारे में मज़ीद बात करें। राइट। सो साकिब, जैसे आपको पता है कि पेनियर की मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारी एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारे यूजर्स के पास एक कार्ड होता है, मास्टर एटीएम डेबिट कार्ड होता है। इसके अलावा हमारे यूजर्स के पास वर्चुअल बैलेंस अकाउंट भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट भी बोल सकते हैं, और उन्होंने अपने फंड्स अपने पेनियर अकाउंट में डायरेक्टली स्टोर किए होते हैं, जो अपने बैंक में विड्रॉ करते हैं। पेनियर जो कार्ड्स इशू करता है, हमारा जो कार्ड इशूअर है उस कंपनी का नाम है वायर कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब कुछ रोज पहले ऐसा हुआ था कि एक कंपनी है वायर कार्ड एजी, जो कि जर्मनी में रजिस्टर्ड है, और उसकी सब्सिडरी कह लें, पार्टनर कंपनी कह लें, वो है वायर कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है और यूके के लॉज और उसकी रेगुलेशन के अंदर वो परफॉर्म करती है, जो हमारा कार्ड इशूअर है। अब आई थिंक 25 जून को ये हुआ था कि जो वायर कार्ड एजी है जो जर्मनी में है, उन्होंने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर की थी, यानी उनकी बुक्स में ऐसा होल था कि जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो कंपनी सॉर्ट ऑफ क्रैश कर गई थी, और जिसे आप बैंक्रप्सी भी बोल सकते हैं, उस तरफ वो जा रहे थे। जब ये वाली एपिसोड अनफोल्ड हुई थी, तो वायर कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि यूके में रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर एफसीए एक रेगुलेटेड अथॉरिटी है। रेगुलेटर से मुराद मेरी ये होती है कि जैसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, वो अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करते हैं। स्टेट बैंक रेगुलेटर है और बाकी सारे उसके ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह यूके का जो रेगुलेटर है वो है एफसीए।
FCA ने जब ये एपिसोड अनफोल्ड होती देखी तो उन्होंने वायरकार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि यूके में है उसके तमाम फंड्स को फ्रीज कर दिया और उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि हम जितने भी यूजर्स के फंड्स इस वक्त उन अकाउंट्स में पड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको टेम्परेरी फ्रीज कर रहे हैं। इसमें मैं एम्फेसिस करूंगा कि उनकी FCA की तरफ से जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो ये है कि क्योंकि हम अपने यूजर्स के कस्टमर्स के फंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही है इनकी पेरेंट कंपनी के हवाले से, तो कोई मिस हैपनिंग फंड्स के साथ ना हो जाए, इसलिए फौरी तौर पे हम फंड्स को फ्रीज कर रहे हैं और ये टेम्परेरी फ्रीज है। अब जैसे ही वो फ्रीज हुआ तो वायर कार्ड सिर्फ पेनियर को कार्ड्स इशू नहीं करते हैं, देयर आर अदर पार्टनर्स एज वेल, काफ़ी और कंपनीज हैं जिनके जो वायर कार्ड की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो सारी कंपनीज के कस्टमर्स के जो फंड्स हैं वो टेम्प्रेरी फ्रीज हो गए, ये दो दिन पहले की बात है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है इस सारी एपिसोड का। और इसमें एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही कि जो फंड्स आपके कार्ड्स के ऊपर थे वो फ्रीज हुए हैं, और अगर आपके कुछ फंड जो है आपके पेड या वर्चुअल अकाउंट में पड़े हैं तो वो आपके फंड्स अवेलेबल रहे हैं और अभी भी अवेलेबल हैं विड्रॉ करने के लिए। एनी न्यू अपकमिंग पेमेंट्स चाहे वो अमेजोन से आ रही हों, दूसरी मार्केट प्लेसेस से या डायरेक्ट क्लाइंट से आ रही हों, वो एज यूजुअल आप रिसीव कर सकते हैं और उनको विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ देर के लिए आपके जो कार्ड वाले फंड्स हैं वो फ्रीज हैं। ठीक ठीक, सो बेसिकली जो कार्ड्स वाले फंड्स हैं वो अभी फ्रीज हैं, और आप इसकी जो SLA है वो कब तक इसको अनफ्रीज हो जाएगा, बिकॉज पीपल आर आई वाज रीडिंग के जी वो मेरे पैसे चले गए जैसे हम लोग एकदम से कहते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो फ्रीज है मींस होल्ड है, आपने सिर्फ होल्ड इसलिए किया है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग विच अकर्ड इन अनदर कंट्री। तो अब ये पैसे जिन लोगों के जैसे किसी के $20,000 पड़े हैं, किसी के $15,000 पड़े हैं, तो वो उसने विड्रॉ कराने हैं या कराने हैं, तो वो कब करा सकता है पैसे? राइट, इसमें साकिब एक चीज मैं जिक्र करता चलूं, आपने अपनी कन्वर्सेशन के शुरू में बात की थी कि शायद ये पाकिस्तान के कस्टमर्स के साथ ये हो रहा है, इट्स अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन ये मल्टीपल कंट्रीज में ये इशू आया है, क्योंकि हमारी जो पेनियर की प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ हो रही हैं, सो इट्स नॉट जस्ट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान, ये दूसरे कंट्रीज में भी ये सेम इफेक्ट आया है। नाउ टू योर क्वेश्चन अबाउट SLA और टाइमलाइन, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, FCA इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और हमें FCA क्योंकि हम एक हैविली रेगुलेटेड कंपनी है, पेनियर एक हैविली रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द रेगुलेटर, और हम हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम रेगुलेटर एक चीज़ कहे और हम उसके अगेंस्ट जाएँ। तो रेगुलेटर ने ही वो फंड्स फ्रीज किए हैं, वही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहे हैं, FCA के साथ, वायर कार्ड के साथ और दूसरी पार्टीज के साथ, टू मेक श्योर टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग कि ये जितनी जल्दी पॉसिबल है इस फ्रीज को हटाया जाए, क्योंकि हमारे कस्टमर्स के फंड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, और दूसरी चीज़ इस चीज़ को श्योर किया जाए, हमें श्योरिटी दी जाए कि वो फंड्स सेफ हैं। जो अपडेट्स अभी तक हमारे पास हैं उसके मुताबिक ये आने वाले तकरीबन 48 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हमें FCA की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि ये फंड्स के हवाले से वो हमें पॉजिटिव अपडेट शेयर करेंगे, जिसमें फंड्स का अनफ्रीज होना भी शामिल है। तो हम वेट कर रहे हैं उनका, हम उनके साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और उनको अर्जेंसी शो कर रहे हैं कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है हमारे कस्टमर्स के लिए और इसको एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। तो ये तो टाइमलाइन पे हो गया। दूसरा, फंड्स की सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें हमें रिपीटेडली रीअश्योर किया गया है FCA की जानिब से कि ये जितने भी फंड्स हैं ये इस वक्त प्रॉपरली सेफ गार्डेड हैं। तो ये दो श्योरिटीज हमें इस वक्त FCA की तरफ से हैं जो मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एंड वी आर जस्ट वेटिंग एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज ताकि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। ठीक, सो बेसिकली मैं अंडरस्टैंड किया हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू के ये जो फंड्स हैं वो आपके सिक्योर हैं, जो लोग लिखे हैं कि जी लिख रहे हैं मेरे फंड्स चले गए तो उधर आपके फंड सिक्योर हैं, likely to be released after 48-72 hours based on your conversation with FCA, but agar thoda sa time mazid bhi lag jata hai to it's just the investigation happening with the people who have done something which they should not have done. To usme ye hai ki aap keh rahe hain ki wo clear jo hai aapka jo balance hai hopefully within this week should be available to
withdraw and all that, right? जी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशंस वी आर हैविंग विद एफसीए बिल्कुल जो आपने बात की ऐसा ही है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर फंड्स जो हैं उसके बारे में वो हमें अपडेट कर देंगे और जहां तक फंड्स की सिक्योरिटी की हवाले से बात है वो भी आपने बिल्कुल सही समराइज किया है कि दे हैव रीअश्योर्ड अस कि फंड्स आर प्रॉपर्ली सेफगार्डेड ठीक दिस इज गुड अच्छा मुझे ये बताइए जैसे जो लोग अभी पेनियर को यूज कर रहे थे डिफरेंट फ्रीलांस चैनल्स पर लाइक कुछ लोग अमेज़न पे भी यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग डिफरेंट जगहों पे भी इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए तो क्या वो अभी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं पेनियर पर मींस अमेज़न पे या कोई और लोग क्या वो सिस्टम चल रहा है जी बिल्कुल वो सिस्टम बिल्कुल चल रहा है पेनियर पे आप जहाँ जहाँ से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाह रहे हैं बिल्कुल वो अनइंटरप्टेड आप रिसीव करते रहेंगे उसकी रीज़न ये है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो मिसहैप हुआ है ये पेनियर की वजह से नहीं हुआ ना ही पेनियर के किसी सिस्टम की वजह से हुआ है हम एक तीसरी कंपनी के साथ काम कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ ऐसी रॉन्ग चॉइसेस बनाई जिसकी वजह से ये फॉलो आउट हुआ तो इसलिए पेनियर की जो कोर सर्विसेज हैं वो बिल्कुल इस वक्त चल रही हैं अगर आप अमेज़ॉन से अपवर्क फाइवर या डायरेक्ट क्लाइंट से आप फंड्स मंगवाना चाह रहे हैं तो आपके अनइंटरप्टेड चलते रहेंगे राइट सो आप हर जगह से फंड्स इस वक्त जहाँ से पहले मंगवा रहे थे वो अभी मंगवा सकते हैं और इशू क्या है वो फंड्स जो हैं कुछ दिनों तक आप विड्रॉ नहीं करवा सकते राइट ये एक बड़े आसान लफ्जों में ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी नहीं जो फंड्स आपके नए आ रहे हैं वो आप उसी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं okay. जो आपका फ्रीज हुआ पार्ट है वो अलग है उसके हवाले से जैसे मैंने अर्ज किया कि वो इंशाल्लाह वी आर होपफुल के विद इन दिस वीक वी विल हैव एन अपडेट ऑन दैट लेकिन जो आपके इनकमिंग फंड्स हैं वो आपके पास जैसे आएंगे आप बिल्कुल उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक में उस पर कोई फ्रीज नहीं है सो जो फंड्स आज से कोई तीन चार दिन पहले थे वो फ्रीज हैं और वो कुछ दिनों तक अनफ्रीज हो जाएंगे और जो आज कुछ दिनों से पहले आफ्टर दैट न्यूज ये कि जो फंड्स आपको रिसीव होंगे वो आप विड्रॉ करा सकते हैं सेम एज यूजुअल द वे यू यूज्ड टू डू Okay. बिल्कुल और वो जो तीन चार दिन पहले के भी जो फंड्स पड़े हैं उसमें भी एक सेग्रीगेशन है वो सारे फंड्स आपके फ्रोजन नहीं है अगर वो फंड्स आपके कार्ड अकाउंट पे पड़े हैं तो वो आपके अनफॉर्चुनेटली फ्रोजन हैं लेकिन अगर आपके लेट्स से आपके बैलेंस अकाउंट में पड़े हुए थे तो वो आप इसको एज पर नॉर्मल विड्रॉ भी कर सकते हैं कमीशन के इशू क्या है और क्या होने जा रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और किस तरह लोग अपनी जो है वो ऑब्वियसली अपनी विड्रॉ कर सकते हैं अंडरस्टैंड के बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो एकदम से जो है वो लोग समझते हैं पता नहीं हो क्या गया है और फिर जो आई अंडरस्टैंड जो कंपेटिटर्स में भी वो एक हाइप क्रिएट कर देते हैं ऑल दिस के आज बाइनर बंद कर दें ये ओपन कर लें एंड ऑल दैट तो इट्स ऑब्वियसली हर्टिंग टू सी व्हेन हैपेंस व्हेन यू डिडंट मेक एनी मिस्टेक फ्रॉम योर एंड तो वो एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है इट्स ग्रेट कि आपने क्लैरिफाई किया तो अब इसकी जो लोगों ने इसकी मज़ीद अपडेट लेनी हो वो अपडेट कैसे ले सकते हैं मतलब इंग्लिश आई नो के लिखी जाती है लेकिन वो किसी कॉर्पोरेट लेवल की बड़ी फॉर्मल सी इंग्लिश होती है तो वो कैसे आसान वर्ड्स में जैसे आज आपने बताया वो कैसे आसान वर्ड्स में बाद में भी इस तरह से इस चीज़ को क्या अब क्या हो रहा है या कैसे उनको अपडेट लेनी है अपनी ज़ुबान में भी या बड़ी आसान लफ्ज़ों में जी साकिब उसमें दो प्रैक्टिसेस मैंने शुरू की हैं एक तो ये है कि अभी कुछ से पहले मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है उर्दू में जिस तरह मैं अभी यहाँ पर अर्ज़ कर रहा हूँ उसी तरह मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि इशू क्या है इसके टाइमलाइन क्या है और इसमें हमें किस तरफ हम जा रहे हैं वो मैंने आज शेयर की है डिफरेंट ग्रुप्स में ताकि पेनियर की तरफ से ऑफिशियल वर्डिक्ट हमारी लोकल लैंग्वेज में वो लोगों के सामने आए और जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आती है आज शाम को आती है कल आती है परसों जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी मैं यहाँ पर वो वीडियो बनाकर वो सर्कुलेट करता जाऊँगा दूसरा ये है कि पाकिस्तान का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है पेनियर पाकिस्तान ऑफिशियल आप फेसबुक पे लिख के सर्च कीजिए तो उसको काइंडली ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर हम ये अपडेट्स लोकलाइज्ड अपडेट्स पोस्ट करते रहेंगे आपने बिल्कुल सही कहा कि समटाइम्स वो यू सी हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं एक हिसाब से लेकिन वो समटाइम्स हमें वो चीज़ को समझने में थोड़ा सा प्रोसेस करने में टाइम लगता है तो उसके लिए बिल्कुल जो आपकी लोकल अपडेट्स हैं वो हम अपने ग्रुप पे जारी रखेंगे
जस्ट मे बी आई टेक ओनली वन क्वेश्चन बिकॉज आई नो आपने जाना था, यू जस्ट केम इन फॉर अ क्विक कन्वर्सेशन ताकि लोगों के पास ये एक रिकॉर्डिंग रहे, कि ये लोग जो अभी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं क्या वो कर भी सकते हैं पेमेंट्स, कैन द पेमेंट गो एज वेल आउट फ्रॉम देयर अकाउंट? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि कार्ड के अलावा जो फंड्स यानी फ्रीज हो गए हैं उसके अलावा इट्स एज यूजुअल, आप पेमेंट्स उसी तरह रिसीव कर सकते हैं, उसी तरह पेमेंट्स आप अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं और उसी तरह पेमेंट आगे भी कर सकते हैं, तो वो उसी तरह चल रहा है। ठीक, सो अब मैं आपकी पूरी कन्वर्सेशन को समराइज करने लगा हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। कि हमने डिस्कस किया है कि जो आपकी जो पेमेंट्स फ्रीज हुई हैं वो कुछ दिनों तक अनफ्रीज इंशाल्लाह हो जाएंगी, जो कि आप अपने पेज पे अपडेट करेंगे। जो पेमेंट्स आ रही हैं वो एज ए नॉर्मल आती रहेंगी और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं आज से या कुछ दिन पहले से। ऑलरेडी आप पेमेंट्स जैसे पहले कर रहे थे वो भी कर देते हैं, तो बेसिकली बिजनेस इज रनिंग नॉर्मल राइट नाउ। लेकिन जो आपके फंड्स एक फ्रीज हुए थे वो कुछ दिनों तक आपके इंशाल्लाह अनफ्रीज होंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वेयर यू हैव रिसीव्ड एन एसएलए 48 आवर्स, बट दिस मे बी प्रोलॉन्ग फॉर फ्यू मोर आवर्स। इज दिस राइट? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही तरह समराइज किया है, बिल्कुल सिचुएशन ऐसी। एंड मैं दो चीज़ें इसमें आपकी इजाज़त से साके बैठ करना चाहूँगा। एक चीज़ तो यह है कि बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन पेनियर एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई मायसेल्फ, मैं इसमें काफ़ी मुझे फील होता है कि हमारे यूजर्स के इस वक्त जो फंड्स हैं वो फ्रोजन हैं, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग। हमारी जो टीम्स हैं इस वक्त लिटरली राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं जस्ट टू मेक श्योर कि ये जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि वो किसी ने लिखा था कि पेनियर हैज़ नथिंग टू गेन फ्रॉम इट बट एवरीथिंग टू लूज। हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है कि हम कितनी जल्दी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑल दो एज यू राइटली सेड कि दिस वॉज नॉट अ मिस्टेक मेड बाई पेनियर या एनी वन इन पेनियर, ये थर्ड कंपनी की एक मिस्टेक थी जिसको हम अब सही करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन कस्टमर्स हमारे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी पॉसिबल है इस मेस को क्लियर किया जाए। अरे अरे, ये अब ये वीडियो ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी हो रही है तो लोग बाद में भी देखेंगे। कोई बंदा अगर अब कुछ लिखता है, जिस जिन लोगों ने इसको सुना है या बाद में इसको सुनेंगे, वो प्लीज़ इस वीडियो को रेफर करें, ताकि दिस इज मतलब इनसे ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। रादर यू जस्ट शेयर समवनस पोस्ट जिसमें अजीब अजीब बातें लिखी हैं कि करोड़ों या अरबों रुपया डूब गया है एंड ऑल दैट। सो मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट एट ऑल, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड मोहसिन भाई टू कम इन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन, इट वॉज प्लेयर to see you again, and inshallah we'll see announcement from you in the next few days jaise hi aati hai, but thanks for clarifying the information which you have shared today. Inshallah, thank you very much, and it was very nice to be here and to talk to you. Thank you everyone, thank you all. Thank you ji, thank you ji, Allah Hafiz. Okay ji, Allah Hafiz.